हेलो व्यूअर्स, वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल टैक्स रिलेशन में एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप भी योनो SBI जब आप लॉग इन कर रहे हैं और आपका योनो SBI वर्क नहीं कर रहा, ओपन नहीं हो रहा और लॉग इन नहीं हो रहा, तो आप उसको किस तरह से फिक्स कर सकती हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और साथ में दिए गए बेल आइकन पर कर लें प्रेस, ताकि इस तरह की आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले जब आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करते हैं और थोड़ी देर के लिए एरोप्लेन मोड को टर्न ऑन कर देते हैं, और टर्न ऑन करने के बाद फिर से टर्न ऑफ करके फिर से आप ओपन करने की कोशिश करते हैं, तो फिर भी आप इसको ओपन नहीं कर पाते, तो सिंपली से आपने अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन करना है और चेक करना है कि योनो SBI क्यों वर्क नहीं कर रही, क्यों ओपन नहीं हो रही या लॉगिन का मसला क्यों आ रहा है। तो आपने सिंपली से क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर आके सर्च कर लेना है डाउन डिटेक्टर योनो। बाद अवकात न्यू अपडेट आने की वजह से या सर्वर डाउन होने की वजह से भी आपको ये प्रॉब्लम दिखने को मिल सकती है। तो हम इसको ओपन करके चेक कर लेते हैं कि अगर सर्वर डाउन है या कोई और टेक्निकल इशू है तो यहाँ पे हमें दिखने को मिल जाएगा कि क्यों योनो ऐप हमारी ओपन नहीं हो रही या लॉग इन नहीं हो रही। तो ये ओपन हो चुका है, आपने फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लेना है। ये सर्च करने के बाद डाउन डिटेक्टर योनो, तो इस तरह का पेज हमारे पास शो हो जाएगा। आपने स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है तो आप ये देख सकते हैं कि ग्राफ कितना हाई है और कितने लोग रिपोर्ट कर चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये टेक्निकल इशू है और ये न्यू अपडेट होने की वजह से बाद अवकात आता रहता है और आप लॉग इन या प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर सकती आपकी ऐप। तो आपने कुछ घंटों के लिए इंतज़ार करना है, और आप ये देख सकते हैं बहुत से लोगों ने कमेंट कर रखे हैं, तो कुछ देर के बाद ये ख़ुद ब खुद ठीक कर दिया जाएगा और आप आसानी के साथ अपनी ऐप को ओपन कर सकते हैं और लॉग इन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर हमारी आई हो पसंद तो वीडियो को कर लें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए वीडियो में, शुक्रिया।